टू ऑल द स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने होंगे मैं रोहित चौधरी मदरी इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा से जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की के थी और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट कर लिया था आज हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे हाइड्रोकार्बन और उसका पहला टॉपिक है आइसोमेरिज्म ये यूनिट भी नाइन मार्क्स का है सो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी डिफरेंट ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और पूरे के पूरे फिनमिना को क्या कहा जाएगा आइसोमेरिज्म मतलब जब एक ही कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करे ताकि उनका मालिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद वो एक दूसरे से विन हो ऐसे फिनमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म ये आगे दो प्रकार का होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कंपाउंड्स जिसमें मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जो कंपाउंड्स होंगे वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं मतलब उनके मालिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद उस मालिक्यूल में जो अरेंजमेंट है एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा जिसकी वजह से उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिसम जो आगे छह प्रकार के हैं सबसे पहले चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिसम कंपाउंडस हैविंग द सेम मालिकुलर फार्मूला वो कम्पाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन्स हैं विदन द मालिक्यूल वो डिफरेंट हो ना तो कार्बन चेन के अरेंजमेंट स्ट्रेट हो या कार्बन चेन के अरेंजमेंट क्या हो ब्रांच ऐसे फिनिना को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिसम और आइसोमर को क्या बोलेंगे चेन या न्यूक्लियर आइसोमर्स एग्जाम्पल के तौर पर बुटेन या टू मिथाइल प्रोपेन दोनों का फार्मूला क्या है सी फोर एच एट लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट एक बुटेन है तो एक प्रोपेन है एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है एक ब्रांच चेन कंपाउंड है इसलिए दोनों कौन से आइसोमर्स हम शो करेंगे चेन नेक्स्ट इज पोजिशन आइसोमर्स कंपाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन डिफर करें एक दूसरे से इन द पोजिशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड मतलब उस मालिक्यूल का मालिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद लेकिन जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा उनमें कहाँ पे आए आपकी डबल बॉन्ड की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन उस मालिक्यूल में ऐसे फिनमिला को हम क्या बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स और फिनिना को बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल के तौर पर बुट वन इन एंड बुट टू इन दोनों का फार्मूला है सी लेकिन दोनों का जो

आइसोमर्स को कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब एक ही मालिकुलर फार्मूला जब दो तरह के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करे ऐसे कंपाउंड्स के आइसोमर्स को हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसे मालिकुलर फार्मूला सी टू एच सिक्स दो तरह के फंक्शनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता है एक इथाइल अल्कोहल एक ईथर मैटामैरिजम वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन आपके फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो क्या होंगे एक दूसरे से डिफरेंट मतलब आपका जो आइसोमर एक ही होमोलोगस फैमिली में होता है जहाँ पे आपके जो मालिक्यूल है दो तरह के फार्मूले में एग्जिस्ट करती है एक सिंपल सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल मिक्सड जो फिनामिना है जहाँ पर आपका आइसोमैरिसम जो आइसोमर्स मिलेंगे वो एक ही होमोलोगस फैमिली में मिलेंगे ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं मेटामर्स और फिनमिना को कहेंगे मैटामेरिसम जैसे आपका इथोक्सीथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन है दोनों इतर हैं लेकिन पहले में दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो दो दो हैं और दूसरी साइड एक साइड एक और दूसरी साइड तीन कार्बन एटम्स है

जो आइसोमरस सम इस तरह से ऑप्टेड होगा उसको हम कहते हैं टोटोमर्स और पूरे फिनोमिना को हम कहेंगे टोटोमेरिसम जैसे बिनाइल अल्कोहल और एस्टेल्टिहाइड में रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होगा कंपाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम रहे लेकिन बट प्रोसेस ओपन चेन एंड क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिसम और आइसोमर्स को कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स एग्जाम्पल के तौर पर आपका प्रोपीन है साइक्लोप्रोपेन है बुटीन है साइक्लो बुटीन है जे आपके कौन से आइसोमर्स है रिंग चेन आइसोमर्स सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन यूनिट विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे